हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए एक पोंचू लेकर आई हूँ। फेसबुक में जो है किसी ने पिक भेजी थी कि आप जो है ये पोंचू किस तरीके से बनाया जाता है आप वो बता दीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से दिखता है पूरा। अगर आप इसे खोलेंगे ये देखिए इस तरीके से पूरा आता है। ये जस्ट मैंने एक सैम्पल पीस बनाया हुआ है। आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा बच्चा होगा उस हिसाब से बता दीजिए। कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लास्ट में, जस्ट मैं फिर दोबारा आपको ये कैलकुलेशन बता देती हूँ। कैलकुलेशन दोबारा बता रही हूँ, जितना भी लंबा आपको चाहिए। ये बेसिकली इस तरीके से देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, इस तरीके से यहाँ से बन रहा है। तो आपको जो है फंदे कितने डालने हैं उसकी कैलकुलेशन ये है कि आपको जिसके लिए भी बनाना है उस पर आप नाप लीजिए सेंटीमीटर्स में। सेंटीमीटर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे और जितने फंदे आते हैं उतने आप उसमें डालेंगे। 2-4 फंदे ज़्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगी कि मैंने जो ये सैम्पल पीस जस्ट छोटा सा बनाया है 36 फंदों का है और ये पट्टी अलग बनी हुई है। 36 फंदों में मैंने 6 जो है पत्तियाँ बनाई हुई है। आप बड़ा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पत्तियाँ ज़्यादा बनेगी। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि ये 6 ही पत्तियाँ बनेंगी, 5 भी बन सकती है, 6 भी बन सकती है, 7 भी बन सकती है, जिस हिसाब से आप बनाना चाहेंगे। जस्ट मैंने एक पैटर्न बताया है कि आप इस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बन सकता है। तो देखिए ये अलग से मैंने इसकी पट्टी ऊपर की जो है कॉलर की अलग से बनाई है। आप चाहे तो इसमें हुड भी बना सकती हैं। तो ये इस तरीके से इसका जो है लुक आ रहा है। और अगली उसमें मैं वीडियो में बताऊंगी कि ये बनाते हुए मुझे ध्यान आया कि इसमें आप स्कर्ट भी बच्चों के लिए आराम से बना सकती है। जस्ट ऊपर आपने डबल पट्टी बनानी है और उसमें आपको इलास्टिक लगाना है। तो वो मैं अगले उसमें आपको वीडियो में बताऊंगी कि स्कर्ट किस तरीके से इसकी आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कि ये किस तरीके से, देखते हैं किस तरीके से बनता है। तो चलिए बनाते हैं ये। इसमें जो है मैंने अभी फ़िलहाल सैम्पल पीस आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये बनाया जाता है। तो इसमें मैंने 36 फंदे डाले हैं और एक लाइन सीधी की है। तो अब देखिए कि मैं किस तरीके से इसे बनाती हूँ। अभी हमने जो है ये फंदे एक लाइन सीधी की है और उसके बाद जो है मैं दूसरी दोनों तरफ बेसिकली लाइन्स जो है इसकी सीधी सीधी जाती है। दोनों तरफ हमने सीधा सीधा बनाना है। बस जो हम कलर चेंज करेंगे वो किस तरीके से करेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखिए किस तरीके से बनता है ये। अब पहले मैं इसमें देखिए ये फंदे सीधे बना रही हूँ। इस तरीके से सीधे बनाए जाते हैं फंदे जो है। ये देखिए ये फंदे मैंने बना लिए और यहाँ पे ये 13 फंदे मैंने छोड़े हुए हैं। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 13 फंदे छोड़े हुए हैं। जो ये आपको पट्टी दिख रही है अब हम ये बनाना शुरू कर देंगे। तो ये 13 फंदे मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो देखिए दूसरा कलर हमने इस तरह से लिया, इस तरीके से, और ये 13 फंदे सीधे सीधे हमने दूसरे कलर से बनाने हैं इस तरीके से। टोटल सीधे सीधे दोनों तरफ जाएंगे। तो ये हमारा जो देखिए ये हमारी नेक्स्ट साइड जो है शुरू, नेक्स्ट साइड है ये वाला जो कलर है ये नेक्स्ट साइड है। तो नेक्स्ट साइड के लिए साइड में मैं चेन रखूँगी
तो उसे कैसे करूँगी वो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ से ये पत्ती बननी शुरू होगी। अब आप पलट लीजिए। अब हमारा ये बेसिकली नेक साइड है, तो नेक साइड के लिए हम यहाँ पे चेन रखेंगे, और चेन रखने के लिए हम हमेशा पहला फंदा ऐसे उतारते हैं, बुनते नहीं हैं, जस्ट उतारेंगे। धागा इस तरफ है, अब धागा आप आगे की तरफ कीजिएगा, देखिए ऐसे, और इन्हें सीधा बना लीजिए। ये देखिए, ये वाले फंदे हमने जितने ब्लू थे सीधा बनाया। अब आपने क्या करना है, धागे को अपनी तरफ यहाँ लाना है इस तरीके से, और ये वाला जो धागा है अब हमें इससे बनाना है, तो ये वाले धागे को आपको आगे ले जाना है इस तरीके से। दोनों को क्रॉस कीजिएगा, देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, इसे आपने ऐसे करना है, ये नीचे से आपने लेना है इस तरीके से और आगे करना है। इससे बाकी फंदे हमें हमारे जो है सीधा बनेंगे। अब ये देखिए जो साइड में आपको इसमें किंगरी दिख रही है, ये हमने बनानी है, तो हम इन तीन पे वो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप ये देख लीजिए, ये तीन फंदों पे हमें एक एक करके एक एक फंदा बढ़ाना है। तो फंदा कैसे बढ़ाना है, आपने इस पे डाला, इसे बुना पहला फंदा, इसी को, इसको उतारा नहीं, इसी फंदे को, इसी को बैक साइड से आपने फिर डाला, फिर बनाया, तो ये आपने एक फंदे के दो बना दिए। अगेन इस वाले फंदे में डाला, इसे आपने सीधा बुना, अगेन इसी में डाला, अभी आपने उसे उतारा नहीं है, और इसी में से एक और फंदा बना लिया। तो देखिए ये दो, अब ये लास्ट है, इसे भी ऐसे ही कीजिएगा। पहला फंदा आप इसे बनाएंगे, उतारेंगे नहीं, अगेन दोबारा इस पे डाल के आप इसे फंदा बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पे तीन फंदे जो है बढ़ गए। पलट लीजिएगा, अब ये तीन फंदे जो हमने बढ़ाए हैं, पलटने के बाद हमें इन्हें बंद करना है। तो पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा आप बुनेंगे ऐसे करके, और पीछे वाला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। तो एक फंदा बंद किया आपने, अगेन ये वाला बुनेंगे हम, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, दूसरा फंदा बंद किया, अगेन ये बुनेंगे और ये उतार देंगे। तो तीन फंदे देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपने बंद कर दिए। अब बाकी फंदे सीधे जाएंगे। ये देखिए ये बाकी फंदे हमने सीधे किए। अब ये दो जो पिंक आपको दिख रहे हैं, हमें इन्हें ब्लू बनाना है। इसी तरीके से हमें वो खिसकाते हुए जाना है। जो ये पिंक आपको दिख रहे हैं उसे हम ब्लू बनाएंगे। तो देखिए ये फंदा आपने धागा इस तरीके से लिया। अब ये दोनों बनाने हैं, तो आपको ये दोनों धागे देखिए इस तरीके से बैक साइड पे है, इसे पिंक को आप ऊपर कीजिएगा, ये इस तरीके से कीजिएगा क्रॉस में, और ये आप ब्लू बनाएंगे। ये दो फंदे, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे जा रहा है, तो वो हम शुरू कर रहे हैं। बाकी सारे फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए पलट लीजिए, अगेन वही पहला फंदा इसमें उतारेंगे यहाँ से ऐसे बिना बुने हुए, धागा यहीं की तरफ रखना है, ऐसे उतार के
धागा आगे करके बाकी फंदे सीधे बनाने हैं ब्लू। जितने ब्लू के फंदे हैं उतने ही उल्टी साइड में हमेशा ऐसे ही करना है आपने। अब ये फंदे पिंक बुनाने हैं तो इस धागे को अपनी तरफ कीजिएगा ऐसे, और इस वाले धागे को आगे कीजिएगा और बाकी फंदे पिंक बनेंगे सीधा। इस लाइन में हम जो है तीन में बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे पहले हमने अभी बढ़ाया, अभी इस लाइन में हम नहीं बढ़ा रहे हैं, और नेक्स्ट लाइन भी सीधी जाएगी, उसकी अगली लाइन में हम फिर ऐसा करेंगे। तो ये जो इस तरीके से आपको एक इंगरी दिख रही है ऐसे बनेंगे। तो चलिए पहला फंदा उतारा और अगेन बाकी फंदे सीधे बुने, लास्ट के दो पिंक से पहले तक हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए ये पिंक बना लिया आपने। अब ये दो पिंक अभी हमने ब्लू करने हैं। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे दो दो करके पिंक ब्लू में बनाने हैं। अगेन वही बैक साइड से देखिए, ये दो इस तरीके से आपको धागे दिख रहे हैं, इनको आपने क्रॉस करना है। पिंक को ऊपर लेना है, ब्लू को नीचे से लेना है। नीचे से लेने के बाद आप इसे सीधा बनाएंगे। तो ये दो पिंक आपने ब्लू बनाए, इस तरीके से आपको करते हुए जाना है। अब सारे फंदे सीधे बनेंगे। अगेन वही पहला फंदा आप बिना बुने हुए उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और बाकी फंदे सीधे। ये देखिए लास्ट फंदा ऐसे। अब धागा आगे करेंगे, यहाँ रखेंगे और ये पिंक वाला धागा आगे की तरफ ले जाएंगे, और ये बाकी सारे आपने पिंक बनाने हैं। लास्ट के तीन तक जो है आपने पिंक सीधे बनाने हैं। लास्ट के तीन फंदों में अगेन हमने वही करना है। ये देखिए लास्ट के तीन फंदों में वही करना है प्रोसीजर जो यहाँ किया था। तीन पे एक एक करके आपने बढ़ाने हैं, तीन के तीन बढ़ाने हैं, और तो वही धागा डाल के ऐसे बनाएंगे। इसी फंदे से आप दूसरा भी बना लेंगे। एक के आपने दो फंदे बनाए, अगेन दूसरे फंदे के भी ऐसे ही करोगे इस तरीके से, अगेन तीसरे फंदे पर भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए आप जो तीन फंदे बढ़ाए हैं वो हमें अगली सिलाई में यहाँ पे बंद करने हैं। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे और ये बैक वाला इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे। एक, दो और ये तीन। आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकती हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। कोई मैं तीन कर रही हूँ तो एग्जैक्टली तीन ही नहीं, आप पांच भी कर सकती हैं, चार भी कर सकती हैं, चार में चार बढ़ा सकती हैं और चार बंद कर सकती हैं, उस तरीके से कर सकती है। अब बाकी फंदे सीधे जाएंगे लास्ट के पहले दो पिंक तक। ये देखिए ये लास्ट के दो पिंक हमें ब्लू बनाने हैं।
ऐसे, और बाकी सारे ब्लू बनेंगे। अब अगली लाइन भी ब्लू के ब्लू सीधे जाएंगे और ये पिंक के पिंक सीधे बनाने हैं। इसी तरीके से हमें ये आप देख रहे हैं बढ़ाते हुए जाना है। चलिए आगे नेक्स्ट लाइन पे। अगेन पहला फंदा उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस लाइन में हमेशा ब्लू का ब्लू करना है और पिंक का पिंक करना है, बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है। ये देखिए, अब ब्लू वाला धागा अपनी तरफ कीजिएगा और पिंक वाला धागा आगे करके उसे पिंक बनाएंगे। सीधा बनाना है सारे। अब इस लाइन में हमें ये तीन नहीं बनाने हैं क्योंकि इससे जस्ट पहली लाइन में हमने बनाए थे, यहाँ हम सीधा लेंगे। पलट लीजिए। अब वही ये सारे हम पिंक बनाएंगे, इन दो पिंक से पहले तक, और वो दो हम ब्लू बनाएंगे। तो वही प्रोसीजर सेम है। पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे। ये देखिए, ये दो अब आ गए, ये हमें ब्लू बनाने हैं। बैक से हम धागे को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ये ब्लू बन गया आपका, और ये भी, बाकी सारे ब्लू सीधे। पलट लीजिए। अगेन पहला फंदा उतारेंगे सीधे, धागा आगे करके बाकी फंदे ब्लू के सीधे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ, पिंक वाला बैक की तरफ, और अब पिंक से बनाएंगे। लास्ट के तीन में हम तीन बढ़ा देंगे। ये देखिए, लास्ट के तीन हैं, इनमें हमें एक एक फंदे में एक एक बढ़ाना है। हर बार आपने ऐसे ही करना है। पलट लीजिए। अब ये तीन बढ़ाए हैं तो तीन आपने बंद करने हैं। बाकी सारे फंदे सीधे, लास्ट के दो पिंक तक हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये देखिए, ये दो पिंक तो हमने ब्लू बनाने हैं, क्रॉस करके पीछे से आप इसे दोनों को ब्लू बना लीजिए।
सात फंदे हम जो गले के होते हैं वो हम ये छोड़ेंगे, अभी हम इसे बनाएंगे नहीं और पलट लेंगे, हम इन्हें बुनेंगे नहीं और पलट लेंगे। बिना बुने हुए हमने ये सात रखे हैं, धागा आगे करके ये बाकी हम ब्लू बनाएंगे। पहला फंदा उतार लीजिएगा और बाकी फंदे सीधे हम ब्लू बनाएंगे। अब ये फंदे पिंक बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करके पिंक को आगे लेकर ये बाकी फंदे पिंक बनाने हैं। और यहाँ पे हमें तीन के नहीं, यहाँ नहीं करना है, ये तो हमें सीधा बनाना है। ऑलरेडी हम इससे पहले वाले उसमें लाइन में कर चुके हैं तीन के तीन। ये देखिए, इस लाइन में नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चाहे तो आप हर एक लाइन में कीजिएगा, बट अगर थोड़ा सा गैप मिलता है तो अच्छा बन जाता है। पलट लीजिएगा, अगेन वही प्रोसीजर। यहाँ दो पिंक से पहले तक पिंक सीधे बनाने हैं हमने। ये अब हमने ब्लू बनाने हैं, तो अगेन वही प्रोसीजर, धागा क्रॉस करके ब्लू धागा लेकर आपने इसे ब्लू बनाना है इस तरीके से। बाकी सारे हम सीधे बनाएंगे ब्लू के। अब देखिए, आपने यहाँ पे ये जो सात फंदे हैं ये बुने नहीं थे, दो दो चार पाँच छः सात। अब हमें ये दो फंदे भी नहीं बुनने हैं, एक और फंदा मैं बुनूंगी। ये दो फंदे हम ऐसे ही रखेंगे और पलट लेंगे, यानी कि पहली लाइन में हमने सात नहीं बुने, अब सेकंड लाइन में मैं दो नहीं बुन रही हूँ। बेसिकली इनको शॉर्ट रोज बोलते हैं। पलट के पहला फंदा इस तरीके से उतार के बाकी सारे फंदे सीधे बुनेंगे ब्लू से। धागा अपनी तरफ करके पिंक को हमने आगे लाकर सीधा बुनना है। अब देखिए, ये लास्ट के तीन में हमें तीन बनाने हैं, तीन के छः बनाने हैं, यानी कि एक फंदे के दो फंदे बनाने हैं। अब अगली लाइन में इन्हें हमें बंद कर देना है। तीन फंदे बंद करने हैं। अब बाकी फंदे वही अगेन पिंक बुनेंगे और दो पिंक हम ब्लू बनाएंगे। ये देखिए, दो पिंक हम ब्लू बनाएंगे, पीछे से धागा क्रॉस करके इन्हें ब्लू बनाना है आपने। बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। अभी देखिए, पहले हमने सात नहीं बुने, फिर दो, अब फिर अगेन ये दो हम नहीं बुनेंगे, यानी कि इसी तरीके से हम ये शॉर्ट रोज करते जाएंगे। पहले हमने सात पहली लाइन में नहीं बुने, यहाँ पे हमने फिर दो छोड़े, अब यहाँ पे भी हम ये दो फंदे पहले ही रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि सात और दो नौ और दो ग्यारह फंदे हो गए। रिवर्स करने के बाद अगेन वही पहला फंदा उतारेंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे।
धागा अपनी तरफ करके पिंक लेके सारी सिलाई सीधी बनानी है आपने पिंक से। पलट लीजिए। ये देखिए इस तरीके से ये आपका बनता हुआ जा रहा है। अब अगेन वही प्रोसीजर, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे और लास्ट के दो पिंक हम ब्लू बनाएंगे और ये दो हम ब्लू बनाएंगे क्रॉस करके। आप इस तरीके से लीजिएगा और इन्हें ब्लू बनाइएगा। अगेन बाकी सारे ब्लू शॉर्ट रो करनी है तो दो हमें वहाँ अगेन छोड़ने हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, पहले ये फिर ये फिर ये छोड़ा और अब ये दो फंदे मैं छोड़ रही हूँ और पलट रही हूँ, यानी कि बिना बुने हुए ये सारे फंदे हमें हमने अभी बुने नहीं हैं। पलट के दो दो फंदे हमने इसके बाद छोड़े हैं। पलट के आप इस तरीके से कीजिएगा, बाकी सारे फंदे सीधे बनाने हैं पलट के। धागा अपनी तरफ करो, पिंक वापस ले लीजिए आगे की तरफ और ये सारे पिंक बनाने हैं। लास्ट के तीन में हमें इसमें किंगरी बनानी है, तो यानी कि तीन के तीन और बनाने हैं तो छः हो जाएंगे। पलट लीजिए। ये तीन फंदे अब हमने बंद करने हैं जो हमने बढ़ाए थे। अब देखिए किस तरीके से हमने ये करना है। यहाँ पे हमने ये चार बार शॉर्ट रोज बनाई है। आप देखेंगे पहली बार सात, फिर दो, फिर दो, फिर ये दो। अब हम इसे कैसे करेंगे देखिए। अब ये आपने पिंक ही बनाना है और इसके दो फंदे भी हमें पिंक बनाने हैं। ब्लू के दो फंदे हमने पिंक बनाने हैं और बाकी फंदे हमें ब्लू बनाने हैं। अब देखिए ये दो हमने छोड़े थे, इन्हें हमने बनाया नहीं था, शॉर्ट रोज थे तो वापस मुड़ गए थे। इन्हें हमें नॉर्मल वे में बनाना है, लेकिन ये जो साइड में हमेशा से बताती आई हूँ शॉर्ट रोज में कि आपने ये साइड में इस तरीके से लेना है, ये लेना है और इसे दोनों को बना देना और अगेन ये दो फंदे। इस तरीके से लेंगे, ऐसे लेंगे दोनों को। अब हम पलट लेंगे, बाकी फंदे अभी यही हैं, पलट लेंगे आप और ये फंदे हम सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके ऐसे क्रॉस में कीजिएगा, देखिए इस पिंक को ऐसे लीजिएगा और धागा आगे करके पिंक बनाने। ये लाइन सीधी बनेगी, हमें लास्ट में तीन के तीन नहीं बढ़ाने हैं। पलट लीजिए। अगेन पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे बनाएंगे।
और ये दो फंदे भी हम पिंक बनाएंगे, यानी कि जब हम यहाँ से पिंक ब्लू से पिंक पिंक से ब्लू बनाते गए, अब हमें ब्लू से पिंक बनाते हुए जाना है। तो दो फंदे आपने ब्लू के पिंक बनाए और बाकी फंदे ब्लू बनाने हैं, सीधी लाइन है। अब ये दो फंदे भी हमें यहाँ लेने हैं, ये दो, ये नहीं लेने अभी, ये दो फंदे लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से लिया आपने, अगेन इससे पहले उतारा इसका साइड का फंदा, ऐसे लिया और दोनों फंदों को बना लिया। पलट लीजिए, सारी फंदे सीधे बनाएंगे ब्लू कलर से। अब ये पिंक लगेगा तो अगेन धागा यहाँ, ये पिंक आपने लिया, क्रॉस वही करना है। देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से क्रॉस कीजिएगा, इसे ऊपर इसे नीचे, आगे किया और पिंक बनाया आपने, सीधे बनाए पिंक से। अब यहाँ पे लास्ट के तीन में हमें किंगरी बनानी है, ये तीन में हमें बॉर्डर बनाना है। तो आप तीन के तीन और बढ़ाएंगे, यानी कि एक एक फंदे को हमने दो बनाने हैं। पलट के अब तीन फंदे बढ़ाए हैं तो तीन हम बंद करेंगे। और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये दो फंदे हम फिर पिंक बनाएंगे, ये जो दो ब्लू है इन्हें हमें पिंक बनाना है। बाकी फंदे ब्लू बनाएंगे सीधे। अब देखिए ये दो फंदे हमें फिर इसमें बनाने हैं। तो पहला फंदा लेंगे आप और ये दूसरा इस तरीके से लेके यहाँ ऐसे लेकर दोनों को बना देंगे। पलट लीजिए, अभी ये सात फंदे हमारे बचे हुए हैं, ये अगली बार में हम बनाएंगे। अब ये फंदे पिंक बनाने हैं, धागा आगे कीजिए, ये पिंक नीचे है, ब्लू ऊपर क्रॉस कीजिएगा, पिंक आगे लीजिएगा और पिंक बना दीजिए। इस लाइन में हमें किंगरी नहीं बनानी क्योंकि ऑलरेडी हम इससे पहले वाली में बना चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से बनना शुरू हो गया। पलट के आप सारे फंदे पिंक के सीधे बनाएंगे। अब ये दो फंदे भी हम ब्लू के पिंक बनाएंगे, यानी कि हम दो दो फंदे हर लाइन में लेते जा रहे हैं। बाकी फंदे हम ब्लू बनाएंगे। अब ये देखिए ये सात फंदे भी अब हम लास्ट में सीधा बुन रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए पलट के अब ये सारे फंदे ब्लू बनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे बनाएंगे।
अब धागा अपनी तरफ करके इस तरीके से क्रॉस करके पिंक आगे लेके पिंक बनाने हैं और लास्ट में इसमें किंगरी बनाना। ये तीन फंदों में हमें किंगरी बनानी है तो तीन के और तीन बनाने, यानी कि एक के दो बनाने हैं। अब पलट के इस वाली लाइन में हमें ये बंद करने हैं। एक, दो और ये तीन, तीन पढ़ाए थे और तीन बंद कर दिया हमने। बाकी फंदे सीधे अब ये दो फंदे हमें अगेन पिंक करने हैं। तो प्रोसीजर वही हो रहा है, देखिए पहले हम इधर की तरफ करते गए, अब हम यहाँ की तरफ कर रहे हैं। तो ये पिंक आप दो बनाइएगा, बाकी फंदे सारे ब्लू करने हैं आप। अब ये बेसिकली हमें वो लाइनें बनानी है जो हमने यहाँ, ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइनें जो हमने यहाँ बनाई थी और उसके बाद हमने शॉर्ट रोज बनाई थी। यहाँ से अब हम ये पाँच लाइनें शुरू करें, पाँच लाइन इन द सेंस दस लाइनें, पाँच के रिब्स, जो एक दो तीन चार, ये पाँच रिब्स है। अब हमें यहाँ एक बन गई है, अब हमें चार रिब्स और बनानी है, मतलब आठ लाइन्स और बनानी है। तो बनाना प्रोसीजर सेम है, पहला फंदा उतारेंगे इस तरीके से, बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। धागा आगे करके क्रॉस करके पिंक वाला वापस आगे करके सीधा बनाएंगे। इस वाली लाइन में हमें किंगरी नहीं बनानी है, यानी कि तीन के तीन नहीं करने हैं, ये सीधा जाएगा और इसकी अगली लाइन भी हमारी सीधी जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपका बन रहा है, पहला उतारा, सारे फंदे पिंक और दो और ब्लू से हमें पिंक बनाने हैं। ये देखिए अब ये दो ब्लू वाले भी हमें पिंक बनाने हैं, यानी कि हम दो दो इधर इधर करते जा रहे हैं, बाकी ब्लू बनेंगे, सारे सीधे बनाएंगे। पलट लीजिए, अगेन वही ब्लू वाले सीधे बनेंगे। देखिए धागा आगे करके क्रॉस करके पिंक लेके फिर पिंक से बनाएंगे। ये देखिए तीन पे तीन बनाएंगे, यानी कि एक एक फंदे पे हम एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं। अगले महीने हम तीन फंदों को बंद कर देंगे। बाकी फंदे सीधे अब ये दो ब्लू भी हमें पिंक लेने हैं।
बाकी ब्लू बनाने हैं सीधे। नौ रिब्स हमारी पूरी हो गई। इसके बाद हमारी एक और रिब बनेगी, सीधे बनाने हैं सारे फंदे, ब्लू को ब्लू और पिंक के पिंक। सारे पिंक बनाएंगे सीधे। ये दो लाइन्स अब हमारी लास्ट लाइन है, देख लेते हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ लास्ट लाइन होनी चाहिए हमारी। ये ब्लू में हमारे 13 फंदे बचेंगे, ये दो फंदे भी ब्लू के हमें पिंक करने हैं। अब देख लीजिए यहाँ कितने बचे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 फंदे जो हमने यहाँ से देखिए शुरू किया था, अब यहाँ पे आ गए, तो 13 फंदे हमारे ब्लू बनेंगे। पलट लीजिए, अगेन वही ब्लू के ब्लू और पिंक के पिंक। पहला फंदा उतार के 13 फंदे ब्लू बनाने हैं हमारे, मतलब 12 फंदे और बनाने हैं हमने इस उतारने के बाद। धागा आगे करके क्रॉस करके पिंक बनाना है अब हमने। किंगरी बनानी है हमने इन तीन पे। पलट लीजिए, वही तीन बढ़ाए हैं तो तीन हमें बंद करने हैं। अब देखिए ये पूरा ऑलमोस्ट हो गया हमारा। अब ये पूरी लाइन पिंक बनेगी और इसके बाद की एक और लाइन पिंक बनेगी, फिर अगेन पहली लाइन से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये पूरी लाइन हम पिंक करेंगे, अब ब्लू नहीं करेंगे। और ये वाली लाइन भी अगली हम पूरी पिंक ही सीधे में बनाएंगे। पहला फंदा आप इससे उतार के बाकी सारे फंदे सीधे। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब अगेन हम जो शुरू करेंगे, तो यहाँ से 13 फंदे हमें ब्लू वाले बनाने हैं, जैसे हमने इस वाली लाइन से जो है शुरू किया था। अब अगेन वही होगा कि ये फंदे सारे पिंक बनेंगे और 13 फंदे ब्लू बनेंगे। ब्लू का धागा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये सारे फंदे पिंक एंड देन ये ब्लू। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये लाइन शुरू की है, एग्जैक्टली अब आपने इसे रिपीट करते हुए जाना है जो ये लाइंस हैं।
बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए ये पांच रिब्स है, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे की 5 है, फिर हमने ये 4 बनाई जो शॉर्ट रोज बनाई, फिर वापस हम शॉर्ट रोज को बनाते हुएंगे तो वो 4 रिब्स है और फिर ये अगेन 5 रिब्स है, यानी कि हमारे पास 5 और 5 10 4 और 4 8 18 रिब्स बनी। 18 रिब्स का मतलब है 18 दूनी 36, ये जो है 36 लाइंस है हमारी। तो ये 5 का रिब्स जो है 10 लाइंस और ऊपर के 10 लाइंस, ये एग्जैक्टली इस तरीके से करेंगे तो आपको देखिए ये पत्ता बड़ा ही प्रॉपर शेप में आपका जो है बनेगा, अगर आप ये देख रहे होंगे इस तरीके से देखिए। और ये ऊपर का पार्ट है आपका और ये नीचे का पार्ट है। तो इस तरीके से आपसे आप रिपीट करते हुए जाएंगे तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6 पत्तियाँ तो आपकी ये बनेगी, हो सकता है मे भी 7 भी बने, वो आप अपने बच्चे के हिसाब से नाप लीजिएगा, जिसके लिए भी बड़ों के लिए बच्चों के लिए जिसके लिए भी आप बनाएंगी उस हिसाब से उसे नाप लीजिएगा, तो ये पत्तियाँ उतनी बनेंगी। तो इस तरीके से ये रिपीटेड करके पत्तियाँ बना के इसका प्यारा सा शर्ट जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए नीचे भी ये बड़ी ही प्यारी किंगरी बनी है, आप चाहें तो यहाँ पे कोई और डिज़ाइन भी डाल सकती है, कोई और केबल भी डाल सकती है, जो आपका जैसा अच्छा लगे वैसा आप नीचे कोई डिज़ाइन या ऊपर कोई डिज़ाइन डाल सकती है। मैं तो जस्ट आपको एक प्लेन बता रही हूँ कि श्रग जो है पोंचू श्रग कह लीजिए किस तरीके से बनाएंगे ऐसा। तो अब आप इसे रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे गला बनाना है, आप चाहे तो कॉलर बना लीजिए, आप चाहे तो हुड भी इसमें बना सकती हैं, कोई भी चीज़ दोनों में से कॉलर या हुड वो बना सकती है, और चाहे तो इस तरीके से भी इसे रख सकती है, ऐसे रखने में भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप इसे रख सकती है। तो चलिए इसे रिपीट करते हुए बनाते जाएंगे। थैंक यू। ये देखिए कंप्लीट हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 6 पत्तियाँ मैंने इसमें बना दी है। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये ऐसे आएगा, एक पत्ती तो सामने आएगी, एक बाजू पे आएगी, इस तरफ से भी ऐसे आएगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से आपका पोंचू जो है शक कह लीजिए बन गया। अब मैं पहले जैसे यहाँ पे पिंक लाइन एक की है, इसकी भी ये देखिए ये पूरा हो गया, तो इसकी एक पिंक लाइन पहले करूँगी, एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ से, और उसके बाद मैं इसे बंद कर दूँगी। तो चलिए पहले पिंक लाइन हम कर लेते हैं। ये होगी लाइन पूरी। अब हम इसे सारे को बंद करेंगे, एक एक फंदा करके हम इसको बंद करेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरा बुना और बैक वाला इसके ऊपर से डाल दिया, इसे बंद करना कहते हैं। ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो बिगनर्स भी देखते हैं इस तरीके से हम ये फंदे एक एक करके बंद करते हैं। ये देखिए हम आ गए अब
लास्ट पे ये फंदा बचा हुआ है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने आपसे किंगरी डलवाई थी, अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हैं। आप रखने को ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे बटन्स लगा लीजिएगा या कुछ भी लगा लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे फंदे उठा के कॉलर भी बना सकती हैं या फंदे उठा के आप हुड भी बना सकती हैं, आप कुछ भी इसका बना सकती हैं। और आप चाहे तो अभी मैं आपको कॉलर बना के दिखाऊंगी बेसिकली इसमें। और एक चीज़ और इसमें मेरे को थोड़ी सी समझ आई, जो कि आप इसका स्कर्ट भी बना सकते हो बच्चे के लिए। जस्ट आपने यहाँ पे डबल वाली पट्टी बनानी है और उसमें इलास्टिक डाल देनी है। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं बताऊंगी आपको कि आप इसका स्कर्ट किस तरीके से बना सकती हैं। तो इसका चाहे तो आप स्कर्ट भी बना सकती हैं। तो देखिए, इसका कॉलर बनाने के लिए हम ये जो आपने चेन आपने मैंने करवाई है, ये देखिए, ये चेन ये दिख रही है, इनमें से एक एक फंदा हमें इस तरीके से इसी पिंक का उठाना है। ये देखिए, ये चेन दिख रही है, इसमें आपने सिलाई डाली, ऐसे किया और फंदा निकाला। ये नेक्स्ट चेन है, हर चेन में आपने एक एक फंदा इस तरीके से, हर चेन में आपने एक एक फंदा इस तरीके से उठाना है। ये चेन, जितनी भी चेन्स मैंने इसीलिए इस साइड पे चेन बनवाई थी आपसे, कि आप इस तरीके से इसे फंदे सारे जो है उठाएंगे और इसका फिर हम अब कॉलर बनाएंगे। आप चाहे तो इसका हुड भी बना सकते हैं। ये चेन इसीलिए बनाई जाती है कि आसानी से इससे हम कर सकते हैं, फंदे उठा सकते हैं। प्लस अगर आप ना नहीं भी चाहो कॉलर या कुछ, तो ये पोर्शन भी आपको एज इट इज़ अच्छा लगेगा अगर आप एज इट इज़ भी लगाएंगे। तो ये फंदे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ये देखिए सारे फंदे मैंने इसमें उठा लिए हैं। अब इसका जो है मैं जस्ट सीधा सीधा सीधे का बॉर्डर बनाऊँगी, दोनों साइड सीधा बनाऊँगी, यानी कि ये रिब्स ही मैं बनाऊँगी। तो दोनों साइड सीधा सीधे बना के इतनी चौड़ी पट्टी, जितना आपको कॉलर चाहिए होगा आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, उतना इसमें रखना है। इसमें मैं साइड्स में नहीं बढ़ाऊँगी, जस्ट एक नॉर्मल कॉलर बना रही हूँ इसके लिए। आप चाहे तो इसमें मैंने जो अपने चैनल पे काफ़ी सारे कॉलर्स राउंड भी बता रखे हैं, थोड़े आपकी शर्ट के टाइप भी बता रखे हैं, आप उस तरीके का कॉलर भी इसमें बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक जनरल बताऊँगी। और एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 पत्तियाँ बनाई हैं, आपकी पत्तियाँ इस अपने बेसिकली नाप के हिसाब से बनेंगी। ज़रूरी नहीं कि मैंने 6 बनाई है तो आपकी भी 6 ही बननी चाहिए। ये तो मैं जस्ट एक सैम्पल पीस आपको बता रही हूँ। एक साल के बच्चे के लिए ऑब्वियसली 6 से 7 पत्तियाँ बनेंगी, आप उस हिसाब से उसे फंदे डालेंगे वैसा बनेगा आपका। तो फंदे आप एक साल के बच्चे के लिए मेरे ख्याल से आप 60 या 65 फंदे डालिएगा, 60 to 65। और दूसरी एक आसान सी कैलकुलेशन मैं पहले भी बताती आई हूँ आपको, अगेन मैं दोबारा आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर एक का नाप मुझे बताना। कैलकुलेशन सिंपल है कि आप जितना चौड़ा जितना लंबा आपको इस तरीके से आपने देखना है, ये सेंटीमीटर का साइड है, और आपको जितना लंबा चाहिए, मान के चल लीजिए आपने जो अपने बच्चे का नापा है तो आपका बच्चे का जो है 36 सेंटीमीटर के आसपास आया है, तो आप 36 × 2 करेंगे, 36 × 2, तो जितने फंदे वो आएंगे उससे आप 2-4 फंदे ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपने 36 × 2 किया तो उतने ही फंदे आप रखेंगे। तो 36 × 2 मीन 72 के आसपास मेरे ख्याल से फंदे आपके पास होने चाहिए, 72। तो 72 से आप ज़्यादा भी रख सकती है 2-4 फंदे, कोई ऐसा एग्जैक्टली नहीं है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है। तो नाप हमेशा इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा, चाहे आपको किसी के लिए भी बनाना हो, ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट रहती है। तो देख लीजिए, आप ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये पोंचू किसी ने बेसिकली पिक भेजी थी मुझे कि आप ये बता दीजिए, तो ये मैं बता रही हूँ। एक जनरल सा अब मैं इसके कॉलर बनाऊँगी और उसके बाद वो कॉलर बंद कर दूँगी। उसके बाद हम ये दो साइड्स में जो है, चाहे डोरी लगा लीजिए, चाहे आप टिच बटन लगा लीजिए, बटन लगा लीजिए, आप कुछ भी लगा सकती है सजाने के लिए। आप इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए यहाँ पर बीड्स भी लगा सकते हैं, वो आपका इनोवेशन होगा कि आप किस तरीके से उसे और अच्छा बना सकती है। मैं जस्ट आपको एक पैटर्न बताती हूँ कि ये पैटर्न किस तरीके से बनाया जाता है। तो
चलिए अब मैं इसके कॉलर पहले बना लेते हैं। सीधा सीधा कहीं नहीं बढ़ाऊंगी, कहीं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी साइड्स में। नॉर्मली कॉलर्स में हम लोग साइड्स में फंदे बढ़ाते हैं, इसमें नहीं बढ़ाऊंगी। एग्जैक्टली मैं सीधा सीधा बनाऊंगी और उससे हम फोल्ड कर देंगे कॉलर के लिए। तो चलिए पहले हम इसे दोनों साइड से सीधा सीधा बना के कॉलर तैयार कर देते हैं। तो कुछ नहीं, आपने फर्स्ट फंदा उतार के सेकेंड फंदे से हमने इसे देखिए इस तरीके से सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से। तब इसका कॉलर हम पहले बना लेते हैं। जितनी भी लाइन इसमें आएगी, जितना बड़ा जितना चौड़ा कॉलर आपने अपने बच्चे के लिए या जिसके लिए भी बनाएंगे, आप चाहे तो ये बड़ों के लिए भी बन सकता है, किसी के लिए भी बना सकते हैं। बस कैलकुलेशन आपने सेंटीमीटर्स के हिसाब से करनी है।